प्रिया और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद से ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही टिकट किसको मिलेगी, ये सवाल चल रहा है। नेताओं के राजनीतिक वारिसों और परिवार के हिस्सों में किसको कितनी टिकट मिलेंगी, इसका इंतजार रहेगा। इसी बीच नेताओं के गल बदलने का सिलसिला भी जारी है। रोजाना ही मंत्री और विधायकों के अपनी पार्टी छोड़ने की खबरें आ रही हैं। इस बीच सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली खबर यादव परिवार की थी, जब सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के घर की बहू और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। कई खबरें आ रही थी जिसको लेकर ये बताया जा रहा था कि अपर्णा यादव सपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकती हैं, जिस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि यह उनके परिवार का मामला है और परिवार में सब ठीक चल रहा है, हमारे परिवार की चिंता भारतीय जनता पार्टी को करने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल बीते सोमवार हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को हमारे परिवार की ज्यादा चिंता रहती है। चुनाव में बीजेपी कोई भी ऐसे षड्यंत्र करने की कोशिश करेगी, लेकिन समाजवादी उसे सफल नहीं होने देंगे। बता दें, इधर जहां उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सत्ता में वापसी की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं के परिवार को टिकट देने की दावेदारी में भी चिंता बढ़ा गई है, क्योंकि बीजेपी सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल सहित कई नेताओं ने अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट की दावेदारी पेश की है। लेकिन इस बार बीजेपी के नेतृत्व में संकेत दिया गया है कि किसी के बेटे, बहू, बेटी या रिश्तेदार को कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। जो लोग पहले से विधायक रहे या चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें ही कुछ छूट दी जाएंगी। अब अगले बस इतना ही, आप देखते रहिए।